दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा एंड्रॉयड फोन का सीक्रेट कोड बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर डायल कर देते हैं तो आपके फोन के अंदर दोस्तों जो बैटरी प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगा, आपके फोन का जो रैम है वो बूस्ट हो जाएगा, ना कभी दोस्तों गेम खेलते समय आपका फोन लैग करेगा, ना ही कभी आपका फोन हैंग करेगा, ना ओवरहीट होगा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों वो सब आपके फोन के अंदर फिक्स हो जाएगा, आपका फोन एकदम नए जैसा चलने लगेगा। सिर्फ आपको एक हिडन कोड को अपने फोन के अंदर डायल करना है जो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। आपके पास चाहे दोस्तों किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, सभी कंपनी के फोन में दोस्तों ये कोड काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दो फोन यहां पर रखा है, दोनों फोन के अंदर दोस्तों मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए बस आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको उससे सीक्रेट कोड के बारे में बता देता हूँ जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर डायल कर लेते हैं तो आपके फोन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब फिक्स हो जाएगा। वो चाहे बैटरी प्रॉब्लम हो गया, हैंग प्रॉब्लम हो गया, लैग प्रॉब्लम हो गया, ओवरहीटिंग हो गया, कोई भी इशू हो सब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने फोन का जो डायल पैड है इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उससे सीक्रेट कोड के बारे में बताऊँ, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको उसे हिडन कोड के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपको स्टार हैश टाइप करना है, फिर जीरो, उसके बाद दोस्तों वापस से स्टार हैश टाइप कर देना है। जैसे आप ये हिडन कोड डायल करेंगे आपके फोन के सामने इस प्रकार से एक पूरा का पूरा जो आपका ब्राइटनेस है वो पहली बात तो फुल हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ब्राइटनेस यहाँ पर फुल हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप मीन्स ये थोड़ा सा आपको सही से दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को टेस्ट करना है सबसे पहले कि आपके फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कलर दिया हुआ है कि आपके फोन का कलर कैसा है, मीन्स कलर यानी कि स्क्रीन का जो कलर है उसके बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ कैमरा हो गया और यहाँ पर सेंसर हो गया, टच हो गया, फ्रंट कैमरा हो गया, हर एक चीज़ को दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कैमरा को सबसे पहले ओपन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपके फ़ोन का कैमरा सही से काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से दोस्तों अपने फ़ोन के कैमरे को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैमरा चेक करने का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसे बैक कर देते हैं, ओके। तो दो बार हम यहाँ पर दबाएंगे तो बैक हो जाएगा। उसके साथ साथ सेंसर, यहाँ पर दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो सेंसर है उसे भी चेक कर सकते हैं पूरी तरह से। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो मेन चीज़ होता है यानी कि आपके फ़ोन का जो डिस्प्ले होता है, टच होता है, उसे हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रकार से कुछ अपना जो टच है उसे भी चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो टच है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा का पूरा चेक करना है। अब यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी हाई हो जा रहा है तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से दोस्तों आपको वन बाई वन करके ना पूरा इसे आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसे चेक कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख लीजिए पूरा ऐसे आपको ग्रीन में ला देना है, तो मतलब कि आपके फ़ोन का जो टच है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप ये पूरा का पूरा ग्रीन कर देंगे ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, यानी कि आपके फ़ोन का जो टच है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन के स्पीकर को चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ को यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर टेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आपको मिलता है उसे कैसे आप फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन का जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ चले आना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिमाइज नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके फ़ोन के अंदर जो भी इश्यू रहेगा वो सब दोस्तों यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे इश्यू को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा और यहाँ पर ग्रेट लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर का जो रैम है वो बूस्ट हो चुका है, बैटरी प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, लैग प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, फ़ोन हैंग नहीं करेगा, ओवरहीट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर आप ये ट्रिक आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों ये जो कोड मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो कोड आपके फ़ोन के अंदर काम नहीं करता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। जैसे कि ये फ़ोन है, इस फोन में दोस्तों ये कोड काम नहीं करता है, ये फोन है पोको का, ठीक है। ये जो मेरे पास दूसरा फोन है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोको का फोन है। अब इसमें दोस्तों ये कोड काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने फोन का जो मेन सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है। मेन सेटिंग ओपन करके आपको अबाउट फोन के अंदर जाना है, यहाँ पर ऑल स्पेक्स के ऊपर क्लिक करना है। एकदम नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कर्नल वर्जन, तो इसके ऊपर दोस्तों आपको लॉन्ग प्रेस करते जाना है इस प्रकार से। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने जो टेस्टिंग का पूरा सीन है
वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर वन बाय वन करके आप अपने फ़ोन का डिस्प्ले, स्पीकर, मेन कैमरा, हार्डवेयर, रैम, हर एक चीज़ को यहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट कर लेना है कि आपके फ़ोन के अंदर क्या खराबी है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इसे ओपन किया है और जो दोस्तों आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे, अगर किसी के सामने इस प्रकार से फेल लिखा हुआ आता है यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उसे दोस्तों आपको फिक्स करना है। फिक्स करने का मैंने आपको बता दिया, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर ये ट्रिक भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये चीज़ आपके फ़ोन के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में दोस्तों एक और उपाय है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से दोस्तों आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्रोफेशनल वाले सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हर एक चीज यहाँ पर टेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहीं से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को फिक्स भी कर सकते हैं। सही सुना गाइस आपने, आपके फोन के अंदर जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे यहीं पर आप फिक्स भी कर पाएंगे। तो अगर आपके फोन के अंदर कोड काम नहीं करता है तो सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेटिंग काम नहीं करता है तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का फोन हो दोस्तों, मैंने ऐसे तीनों ट्रिक बता दिए हैं जो आपके फोन में एक ना एक तो 100% काम कर ही जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोड काम नहीं करता है तो ऐसे में दोस्तों आपके फोन में एप्लीकेशन काम करेगा, एप्लीकेशन काम नहीं करता है तो सेटिंग तो जरूर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फोन में पूरा टेस्ट कर सकते हैं और उसे दोस्तों यहीं के यहीं फिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरा फिक्स करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने फोन का पूरा जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।